बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा समेत अब तक एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ने सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया था। इसके अलावा रिया ने 25 और भी नाम बताए थे जिन पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नज़र है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस लिस्ट में एक और नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि सुशांत की फिल्म छिछोरे हिट होने के बाद उनके फार्म हाउस पर इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में ड्रग का भी इस्तेमाल किया गया था। खबर है कि इस ड्रग पार्टी में छिछोरे फिल्म की अभिनेत्री यानी श्रद्धा कपूर भी शामिल हुई थी। इसके अलावा फिल्म की दूसरी स्टार कास्ट और अन्य भी लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स की माने तो एक और मशहूर अभिनेत्री इस पार्टी में शामिल हुई थी जिनका नाम अभी नहीं सामने आ पाया है। सुशांत के फार्म हाउस और पवना डैम पर बने टापू आपती गंवडे पर हुई पार्टी पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नज़र है। इससे पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बोटमैन जगदीश का ड्रग्स मामले में बयान दर्ज किया था, जिसने बताया था कि पवना आइलैंड पर सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते थे। सुशांत के ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि बयान के मुताबिक टापू पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती कई बार आई थी। सुशांत के साथ सारा अली खान भी यहां पार्टी करने 4 से 5 बार आई थी। इसके अलावा श्रद्धा कपूर भी वहां गई थी। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।